नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं UP 24 न्यूज। अवैध शराब का गोरख धंधा थम ही नहीं रहा है। फिरोजाबाद में GRP पुलिस ने अपनी टीम के साथ हरियाणा के 84 बोतल अवैध शराब को बरामद स्टेशन से किया है। वहीं पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 6 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों का कहना है कि हरियाणा में शराब सस्ती मिलती है, इसलिए हम इस शराब को उत्तर प्रदेश और बिहार के जिले में जाकर बेचा करते हैं। फिरोजाबाद GRP पुलिस की गिरफ्त में खड़े युवक बड़े शातिर किस्म के हैं। इनको जल्द ही करोड़पति बनने की चाहत है, इसलिए यह अवैध शराब की हेरा फेरी का कार्य करते हैं। आज फिरोजाबाद GRP पुलिस ने स्टेशन पर 84 बोतल हरियाणा की अवैध शराब पकड़ी है, जिसमें 6 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह युवक हरियाणा से सस्ती शराब लाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में बेचा करते हैं। पुलिस इन्हें जेल भेज रही है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जी सर, बताएं किस तरह की अभियुक्त पकड़े गए और क्या क्या बरामद हुआ है? कल दिनांक 22/5/18 को शाम को चेकिंग की हमारी समर्स फोर्स की, साथ में लेकर मैं चेकिंग कर रहा था और सूचना मिली मुखबिर से कि प्लेटफार्म नंबर 3 पर ओवरब्रिज से आगे 6 व्यक्ति बैठे हैं, बैगों में शराब भरी हुई है हरियाणा मार्ग। इस सूचना पर मौके पर हम पहुँचे और तलाशी की, देखा तो भारी मात्रा में हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिनको हम तुरंत हिरासत पुलिस में लेकर लेखा पड़ी कार्रवाई पूरी की। आज कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जा रहे थे? ये दिल्ली से आ रहे थे और बिहार के लिए जाने के लिए बैठे थे। ये भी था कि पैसे वैसे इनके पास खत्म हो गए थे, तो हरियाणा मार्ग शराब थी और इनको बेचने के लिए भी था कि कोई बेच ले तो कुछ पैसे मिल जाए। कितनी बोतल? 84 बोतल शराब पकड़ी हरियाणा मार्ग का, और यहाँ पर तो ये 80 रुपये की या 100 रुपये की बोतल वहाँ मिलती है हरियाणा में, यहाँ 300-400 की जितना रेट है यूपी में उतना बेचते हैं वो, 300-400, 450 जितना मौका लग जाए उस हिसाब से लोग बेचते हैं, इसीलिए लेके आते हैं। इनके खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखा है आबकारी एक्ट की धारा 60/63 और 420 भी है इसमें। इसमें आज अभियुक्तों को न्यायालय में रिमांड के लिए भेजा जा रहा है समस्त लिखा पड़ी बात।